लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला है, वो चाहती कि हर एक को गुरु बनाना है, जरा कठिन काम। और नहीं भी है, आप जानते हैं कि आप लोग सब बन रहे हैं धीरे धीरे, सब घटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं, आप दूसरों का ख्याल बहुत करें, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबको आप क्या माफ कर देते हैं, क्या आपने सबको क्षमा कर दिया? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास में, और इस कर बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं जुट पाए। क्षमा का साधन करके, क्षमा की दृष्टि से लोगों की ओर देखा, क्षमा से ही शांति आती, जिसमें क्षमा नहीं आएगी उससे शांति नहीं मिलती। पहले तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। कोई सा भी असमाधान बचा हुआ है, इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से नहीं हुआ, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोगी बने। बड़ी आश्चर्य की बात है कि बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मामला बन रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है, वो देता है, और देता ही नहीं है, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उसे वो उपभोगता है। वो आनंद आप किसी संसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते, और सारे जितनी ब्लेसिंग्स वैसिंग्स आए इसे किसी से आप पा नहीं सकते। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी गुरु शक्ति बढ़ जाए और आप में एक क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सके। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए कि माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी जब तक दशाएं आती तब तक मेहनत करनी होगी और बनना, यही एक सहयोगी दृष्टि है, जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए, बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी पाप की वजह से मेरे बच्चों में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है, ऐसा नहीं, शांत तपस्या, इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या। तो पहली तो चीज सहयोगियों को प्रेम करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ कि ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बड़ी अच्छी चीज, अपनी माँ को रिपीट करते हैं, उनकी बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। सहयोग में ये तो अनायास ही हो जाना चाहिए, अनायास सब घटित होता है। अगर ये नहीं हुआ तो सहयोग क्या बना। सहयोगियों के लिए हर क्षण एक नया साल है, क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, ना तो भविष्य में रहता है और न ही वो बीते हुए भूतकाल में। हर क्षण उसके लिए एक नया साल है, एक नई उमंग है, एक नई लहर। जैसे कि समुद्र के तैरते हुए हर क्षण कोई समुद्र के प्यार से उछाला जाए, उसी प्रकार हरेक सहयोगी को आनंद प्रेम शांति का आह्लाद मिलते रहता है। बस बात यह है कि क्या हम तैरना सीख गए हैं या नहीं। सहयोग में जिसने तैरना सीख लिया वो आनंद में ही तैरता है, आनंद के सागर में तैरता है। सहयोग में अगर कोई दोष है या त्रुटि हो, इतना ही है कि पार होने के बाद बनना पड़ता है, बगैर बने सहयोग हाथ नहीं लगता।
माँ ने आपको पानी में उतार दिया, लेकिन तैराक भी बना करके भी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों को कैसे तैरा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को तैरना कैसे सिखा सकते हैं। आपको पूरी तरह से बनना पड़ेगा। यही अगर एक त्रुटि है तो सहयोग में है, लेकिन वो अनेक त्रुटियों को भरता है। जैसे पहले गुरु लोग आपकी शांति और आनंद की व्यवस्था नहीं करते, पहले तो वो आपसे मेहनत कराते, मेहनत सफाई कराते। जब आप वृक्ष हो गए तो वृक्ष की छाया में जो बैठे हैं उस पर तो कोई सी भी आफत नहीं आ सकती ना, वृक्ष सारे आफतान। आपकी छाया में जितने लोग हैं उनसे आपके संबंध बहुत ही प्रेम और निकटतम होने चाहिए। जो कह रही हूँ सब आपको अलग अलग आप ही को कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही, ये समझ के सुनिएगा बात। बहुत से लोग हैं जैसे ही मैं कहती हूँ तो दूसरे का सोचते हैं कि माता जी उनके बारे में तो नहीं कह। तो अपनी ओर ये देना चाहिए कि माँ हम सबको अलग अलग प्यार करती है, हरेक के बारे में जानती है अलग अलग। उसी प्रकार हमको भी हरेक के बारे में अलग अलग जानना है। जब हम अपने घर वालों ही को नहीं प्यार कर पाएंगे तो हम बाहर वालों को नहीं कर सकते। घर वालों की जरूरतें मानते हैं, बहुत से लोग पार भी नहीं हो सकते, उनमें त्रुटियां होंगी, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उसे करें। पार की भी बात वो तभी माने जब आप में कोई अंतर देखे। अगर आप डंडा लेके कहें तुम पार क्यों नहीं होते और तुम सहयोग में क्यों नहीं आते, तो कोई नहीं सहयोग में। उल्टे ये तरीका सहयोग का नहीं है। सहयोग का तरीका है कि अपने पहले आदर्श से, अपने स्वयं व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित। जब दूसरा प्रभावित हो जाएगा तो धीरे धीरे उसे सहज में लाओ। कोई ठेल ठाल के आप ले भी आए, समझ लीजिए ढकेलते हो वहां से ले आए किसी को बिठा दिया, क्या वो पार हो जाएगा? आप ही बताओ। पूर्ण स्वतंत्रता में उसे आना होता है। आज देख कल ठीक हो जाए, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बन रहे हैं तो हमारे साथ अनेक बन रहे हैं, और वो जो अनेक है उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। हम कैसे बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है, और इसमें ये बात नहीं, समझ लीजिए आपके कोई गुरु हो, रियलाइज सोल भी हो, तो वो बेचारे अपनी ही मेहनत से जो कुछ करना है करते हैं। आपसे नहीं कहेंगे कि आप भी कुछ बने, कहेंगे ये तो बेकार है ही, चलो बस हमको गुरु मान लिया इसी में तरह समझो, अगले जन्म देखा जाएगा। मन की शांति से पहले मन की शुद्धता, शारीरिक सुख से पहले शरीर को काफी तकलीफ दो। बहुत तपस्या के बाद लोग परमात्मा को पा सकते थे, और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया उसे जान सकते, लेकिन माँ की व्यवस्था और है। पहले चैतन्य को पालो, जान लो कि परमात्मा है, उस पर विश्वास करो, जो अंधविश्वास नहीं है, सत्य के पे। और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम हो सकता। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, लेक्चर दिया जाए, पहले तुम अपने को जमीन पे ही तैर के देखो, वहीं पे हाथ मारो दो चार, और काफी उनसे मेहनत की जाए, और फिर धीरे धीरे पानी में लाया जाए, जैसे पानी देखा फिर भाग गए। और एक होता है कि पानी में ढकेल दो फिर सिखाते रहे। इस तरह के सागर में ढकेल दिए। अब इसका मजा उठाना है तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं होगा। सहयोगी उसे कहना चाहिए जिसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शुद्ध इच्छा पूरी हो, क्योंकि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति, जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने दी,
पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई। जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया वो असल में सहजीवी। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।